तो मैंने सोचा मैं भी एक सीरीज स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि सीरीज किसकी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा है मतलब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें मैं बताने वाला हूँ जितना भी एडिटिंग का आपको यूट्यूब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ओवरले से लेके स्ट्रीमिंग पैक से लेके सारी चीज़ें, एनिमेटेड नॉन एनिमेटेड सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है हमारे चैनल के अंदर। केम छुप के कौन कहता है अच्छी चीज़ें फ़ोन पे नहीं बनती। मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं एमडी स्क्वायर। तो आज हम बनाने वाले घासू सा ओवरले। तो बेसिकली आपने मेरे दो दो लोगो देखे होंगे, जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये दो लोगो मेरे हैं। तो नियॉन वाले का तो मैंने आपको दिखा रखा है कि ओवरले कैसे बनता है पिछली वीडियो के अंदर। अब हम ये जो दूसरा वाला लोगो है उसको भी मैंने सिखा रखा है कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये देखो ये दो वीडियो है आप देख सकते हो मेरी, ये दो वीडियो जिसमें मैंने लोगो बनाने सिखाए, एक नियॉन लोगो एक नॉर्मल लोगो, आप जाके वो देख सकते हो। तो आज नॉर्मल लोगो वाले की हम लोग आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं, मतलब उसके बारे में आज बात करने वाले कि कैसे उसका हम एक बढ़िया सा ओवरले में यूज़ करा जा सकता है। ये ओवरले कैरी मिनाटी भाई जैसा होने वाला, हमारे कैरी मिनाटी जैसा होने वाला है ये ओवरले। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। और बेसिकली जो आज हम ओवरले बनाने जाएंगे, हमने जो पिछली बार बनाया था हम लोग ओवरले, वो ओवरले बना था हमारे फ़ोन की, अगर हम लोग फ़ोन के गेम्स खेलते हैं और मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं तो वो बेसिकली वो पिछला वाला ओवरले यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप पीसी की गेम खेलते हो या स्टोरी मोड गेम खेलते हो तो वो जो ऊपर वाला ओवरले होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है। तो वो वाला ओवरले आपको जैसे मेरे थंबनेल में दिख ही होगा कैसा बनने वाला है, और बाकी अभी हम लोग जब मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे एडिटिंग की तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो वो ओवरले बेसिकली अगर स्टोरी मोड गेम खेलना चाहते हो तो वो छोटा सा पतला सा स्ट्रिप टाइप होता है ऊपर की तरफ जो दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो गेम प्ले में बीच में ना आए, क्योंकि स्टोरी मोड लोग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं और जो मल्टीप्लेयर गेम होती है उसमें ओवरले लगा सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो बेसिकली आपको अपना PSCC खोल लेना है जैसे कि मैंने बताया था, और ऊपर की तरफ देख रहे हो एनिमेटेड ओवरले, यही आज हम बनाना सीखने वाले। तो आपको PSCC में आपको साइज़ ले लेना है अपना 1920x1080p, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है एनिमेटेड ओवरले बनने वाला है। तो सबसे पहले मार्किंग सिलेक्शन टूल की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाना है ऊपर की तरफ, पतला सा स्ट्रिप टाइप बनेगा, और उसके बाद हम लोग उसको फिल कर देंगे ग्रे की हेल्प से, ग्रे कलर करेंगे, एकदम ब्लैक नहीं करेंगे। और अब हम लोग क्या करने वाले, एक और स्क्वायर बनाने वाले जिसको हम नई लेयर में एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएंगे मार्किंग सिलेक्शन टूल की हेल्प से, और उसको मिड पे एलोकेट करेंगे और उसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर अपने हिसाब से एडिट करके कट कर देंगे, और जो हमारा जो ये स्क्वायर है बड़ा वाला वो भी हटा देंगे। तो ये देखो कैसा सा स्ट्रिप बन गया हमने जैसा कि देखा, ठीक है। अब हम लोग एक और रेक्टेंगल बनाएंगे ऊपर की तरफ, और उसको हम लोग थोड़ा शेपिंग करने के लिए हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे और उसको हम लोग टिल्ट करेंगे, टिल्ट करने के बाद उसको डुप्लीकेट करके हम उल्टा टिल्ट करके दूसरी साइड लगा देंगे। अब दोनों को मर्ज डाउन करके उसको हम लोग फिर से एलोकेट करेंगे बीच की तरफ पे, क्योंकि वो सेटिंग होती है, अगर आप फिंगर लेके जाओगे खुद में खुद आपकी फिंगर अटकने लग जाएगी। तो अभी दो लेयर बनी है, एक पीछे वाली एक आगे वाली। अब आगे वाली और पीछे वाली को दोनों को एक एक बार डुप्लीकेट कर दो, ठीक है, और डुप्लीकेट करके पहली वाली लेयर को सिलेक्ट पिक्सल करके आपको क्या करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन के लिए आप फिल और स्ट्रोक पे जाके स्ट्रोक कर दोगे, और स्ट्रोक पे आपको कलर जो चूज करना है वो चूज करके आपको आउटलाइन कर देनी है, ठीक है, और फिर वापस जो दूसरी डुप्लीकेट वाली है उसके पीछे भी सेम चीज़ करनी है। तो दो लेयर यहाँ पे टोटल चार लेयर बन गई है, एक नॉर्मल उसके पीछे आउटलाइन वाली और दूसरी नॉर्मल उसके पीछे आउटलाइन वाली, ठीक है। अब हम लोग ग्रेडियंट वाले पैलेट पे जाएंगे, सिलेक्ट पिक्सल करेंगे और उसका ग्रेडियंट चूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको देख रहा है हमारी वीडियो के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, एनिमेटेड ओवरले रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है लेटर ले यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर भी करना अगर दूसरों को भी देखने में इंटरेस्ट है आपके दोस्त में से। तो हम लोग यहाँ पे आइकन्स ऐड कर देते हैं हमारे, तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम का आइकन ऐड कर लेंगे, बेसिकली मैं दो ही आइकन ऐड करने वाला हूँ, अगर आप दूसरी चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो पेपल एंड ऑल तो वो ऐड कर सकते हो। अब हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि आपको देख रहा है यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट ऐड कर दिया, इसको हम लोग कट करके बाद में कस्टमाइज कर देंगे। दूसरी साइड हम लोग यूट्यूब का अपना लोगो लगा देंगे, क्योंकि यूट्यूब को सब्सक्राइबर की मतलब ज़रूरत होती या हमको, इसलिए ही हम लोग YouTube पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे Facebook पे भी कर रहे हैं, तो ये हर जगह चल जाएगा। अब आपको जो MD स्क्वायर वाला मतलब मेरा जो आपका नाम है वो अपने हिसाब से सेट कर देना है, जहाँ YouTube का लगेगा जहाँ YouTube का लगे वहाँ YouTube का, और जहाँ Insta का लगे वहाँ Insta का। तो हमारे Instagram को भी इस बात पे फॉलो कर देना अगर आपने नहीं कर रखा अभी तक, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत लेटेस्ट अपडेट अगर आपके पास आती रहेगी। तो हम लोग को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको दिख गया बेसिकली नॉर्मल आपको बन गया हमारा, कि हम लोगों ने लोगो और उसका टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें इसके अंदर ना अपना जो मेन बीच की तरफ लोगो, जैसा कि आपको ऊपर यहाँ पे हमारा ओवरले चल रहा है वैसे ही बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बन रहा है तो वो देख लो,
अब हमने सबसे पहले हमारा पहला वाला लोगो ऐड कर दिया है, लोगो नंबर वन जो MD स्क्वायर है, जो MD ऊपर स्क्वायर नीचे, वैसे ही आपको कुछ होता है तो वर्ड आर्ट जैसे आप ऐड कर सकते हो। और दूसरी साइड अपना लोगो ऐड कर दो छोटा सा, जैसे कि मेरा वर्ड वाला लोगो है MD वाला, ठीक है। आप ऐसे लोगो बनाना सीखना चाहते हो तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो, एमलेट भाई के लिए बनाई थी ऐसी वीडियो मैंने, तो यहाँ पे ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बार में देख रही होगी कि कैसे बनाते मेरे जैसा लोगो या एमलेट जैसा लोगो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो जितने भी हमने लोगो ऐड करे ना उसको हम मर्ज डाउन कर देने वाले, और ये हिडन ड्राइव मेथड थोड़ा जो मैं साइड में कर रहा हूँ, देखते ही अच्छा लगता है तो हम डालेंगे, नहीं डालेंगे वरना देख लेना। जैसे मैंने ये तीन लाइन ऐड करी, मेरे को ये मैंने थोड़ी सेट करी इसको अपने हिसाब से ऐड किया, ठीक है। बट अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये देखो हमने ऐसा किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम कट कर देंगे नो सीन। अब जितने भी लोग हैं उसको मर्ज डाउन करके हम लोगों को एक लेयर बना देनी है, और उसको फिर से एलोकेशन के हेल्प, मतलब ट्रांसफॉर्म की हेल्प से बीच में एलोकेट कर देना है, ठीक है, लोकेट कर देना है बेसिकली, ठीक है। अब हमें एक एम्प्टी लेयर लेनी है, और हम लोगों को एम्प्टी लेयर में जाके हमें क्या करना है, एक और लेयर लेंगे, पिक्चर लेयर लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये वाला ऐड कर देंगे। अगर ये वाली जो इमेज है वो आपके पास नहीं है तो आप हमारा स्क्वेयर्स पैक है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। स्क्वेयर्स पैक हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी उसकी वीडियो, तो आप देख लेना, स्क्वेयर्स पैक डाउनलोड कर लेना। तो हम लोगों ने उसको ऐड करके उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी लो करके हम दोनों ने ऊपर की तरफ फिट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट पिक्सल, इन्वर्स, और कट कर दिया, जो पार्ट नहीं चाहिए उसे हमने कट कर दिया, और ऊपर की साइड हमने फिट कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, आई नो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, एनिमेशन भी सिखाना है इस वजह से। नीचे आपको अपना जो वेक्टर वाला लोगो है वो ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनाना सीख सकते हो, मैंने वो वीडियो बताई थी जैसे कि स्टार्टिंग में, तो वो वीडियो देख के आप सीख सकते हो जो मैंने वीडियो आपको रिकमेंड करी है। और अगर आप नियॉन में जाना चाहते हो तो नियॉन के लिए भी ओवरले बनाना सिखाया, और वो भी बनाना सिखाया, सब कुछ बनने वाला है हमारी सीरीज़ के अंदर, यूट्यूब बैनर से लेके ए टू जेड यूट्यूब के आइटम्स। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का और इंस्टा का आइकन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना जितना भी होता है सारी चीज़ें नाम वाम ऐड कर देंगे, और सब्सक्राइब फॉलो बटन भी ऐड कर देंगे क्योंकि वो एनिमेटेड रहने वाला है, जैसा कि अभी एनिमेशन में नीचे दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कि ये देखो MD स्क्वायर आया, सब्सक्राइब आया, फिर इंस्टाग्राम का चेंज होगा, फिर MD टू स्क्वायर और फॉलो। तो ऐसे ही बनाने वाले, इसको एनिमेशन देने वाले, तो यही चीज़ सीखने वाले अभी हम इसके वीडियो के अंदर। तो बेसिकली अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे फिट करा जाएगा वीडियो में, तो होप सो आपको अभी तक तो वीडियो समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ, जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, एग्जैक्टली 17-18 मिनट की हो जाएगी वीडियो, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा स्पीड बना के रखी है इस वीडियो के अंदर, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको स्लो में चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं अगली बार की वीडियो स्लो में रखूँगा क्योंकि इसमें मेरे को एनिमेटेड पार्ट भी कवर करना था, मैं सेकंड पार्ट के लिए वेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम लोगों ने सारी लेयर्स ऐड कर दिया हमारे अंदर। अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या लेयर आपको PNG के फॉर्म में एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। एग्जिट करोगे फिर आपको शेयर करके PNG के फॉर्म में, तो ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर ये पाँचवीं लेयर, फिर छठी लेयर, फिर नीचे वाले में आ जाएंगे सातवीं लेयर, आठवीं लेयर, नौवीं लेयर, फिर दसवीं लेयर, फिर ग्यारहवीं लेयर, फिर बारहवीं, फिर तेरहवीं, फिर चौदहवीं, फिर जो भी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको अपना काइन मास्टर खोल लेना है, उसके अंदर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है जिसके अंदर जो आपको 16:9 में लेना होगा। हाँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 16:2 उसमें ग्रीन स्क्रीन, तो हर बार ग्रीन स्क्रीन नहीं ले सकते हम लोग, जब ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा कलर लेना है, क्योंकि अगर वो कलर पहले से ही अंदर हुआ, जैसे मैंने यहाँ देखा ब्लू ग्रीन तो पहले से ही है, तो हम लोग ग्रीन स्क्रीन का कलर चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे को वो कलर सेम नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे ऐड करा हमने दूसरा, और थोड़ा थोड़ा गैप में ऐड करना है क्योंकि एक एक करके लेयर अनलॉक होती जाएगी, तो थोड़े थोड़े गैप में आपको लेयर्स ऐड करती रहनी है, और साइड में आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाके जो स्क्रीन का होता है उसको फुल कर देना है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत होगी, तो हमने पिंक ले लिया, ठीक है, जिससे आपको अभी दिखे कि क्या क्या ऐड हो रहा है। मैंने ऊपर का ओवरले अभी रिसेंटली के लिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन में अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद सारी लेयर्स एक एक करके ऐड कर देनी है, ठीक है, और उसके बाद एनिमेशन देना, मैं सिखाता हूँ कैसे देते हैं।
तो सबसे पहले पहली लेयर ऐड करी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी करेंगे। अब चौथी लेयर करेंगे और उसके बाद एनिमेशन देनी होगी तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे देनी है एनिमेशन। होप्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अभी तक आपने अगर तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो हमारे चैनल को यार बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग सारी लेयर्स एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं। एक एक करके ऐड करने में क्या फ़ायदा रहता है कि हम लोग सबको और थोड़ा थोड़ा गैप में ऐड करना है, ठीक है। मतलब पहले सबसे पहले बेस आया, फिर दूसरे में आपका लाइन्स आई, फिर तीसरे में आपका दूसरा बेस आया, फिर आपके लोगोज आए, फिर आपका नाम आया, वो सब और लोगो आया, ठीक है। तो ये सारा सीन रहने वाला है, तो इसलिए हम लोग एक एक करके देखो, एक स्टेयर्स की तरह, एक ऊपर से नीचे स्टेयर्स की तरह, उल्टी स्टेयर्स की तरह हम लोगों ने एक बना दिया है, ठीक है। उसी हिसाब से बनाना है और सबको एनिमेशन देते रहना है। एनिमेशन हम देने वाले वाइड, हम लोग देने वाले स्लाइड डाउन, ठीक है। तो वाइप राइट और स्लाइड डाउन, ऐसे करके ही हमारे एनिमेशन रहने वाले। देखो मेन एनिमेशन रहेगा स्लाइड डाउन, ठीक है, और आउट का एनिमेशन सबका ए टू जेड स्लाइड अप, ठीक है। फिर आइकन्स का हमारा फेड रहने वाला एनिमेशन, और जो हमारा टेक्स्ट है उसका फेड रहने वाला है, मतलब टेक्स्ट का हमारा स्लाइड राइट रहेगा, ठीक है। ये देखो हम लोग अपने हिसाब से एनिमेशन फिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को जो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया ये वाला, तो यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा, तो हम मे भी फेड ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेड चूज़ कर दिया, ठीक है। तो फेड चूज़ करने के बाद आपको अगले पे जाना है, और अगले पे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आता है जिसको हम लोग स्लाइड राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम स्लाइड राइट ही रहने देंगे, ठीक है। हाँ, एंटर स्लाइड राइट नहीं, स्लाइड राइट रखेंगे, और एंटर स्लाइड राइट अलग चीज़ होती है, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये सारी एनिमेशन हम देख रहे हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं एक एक करके सब कुछ अनलॉक होते जा रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हाँ, ये अच्छा और देखने में भी अच्छा लग रहा है ये आपको, और आप भी बनाना सीखना चाहते हो भाई, और चीज़ें अगर आपको सीखनी है जैसे YouTube बैनर, फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रीमिंग पैकेज बनाना सीखने वाले, अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है तो भाई वीडियो में बने रहो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि इसके बाद ये पूरी सीरीज़ बनाने वाले हम लोग, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। और आउट एनिमेशन देंगे, अब आउट एनिमेशन में हम सबको स्लाइड एंटर एग्जिट सॉरी एग्जिट स्लाइड अप, ठीक है, एग्जिट स्लाइड अप रखने वाले हैं, जितने भी है सबको एग्जिट स्लाइड अप दे देंगे, ठीक है। और जो जो जिसमें नहीं देना होगा उसमें अपने हिसाब से देंगे, बट सबको एग्जिट स्लाइड अप, ठीक है, याद रखना एग्जिट स्लाइड अप, जितने भी आखिरी में जाने वाले हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोगों ने सबको देख लिया, यहाँ पे सारी चीज़ों को एग्जिट स्लाइड अप करके हम लोगों ने फिर से शेपिंग दे दिया एंड वाले पार्ट को जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। और हमने पूरा एक बना दिया, एक बार देख लेते हैं, हर बार ओवरव्यू करके देख लिया करो कैसा बना है। ये देखो सारी चीज़ें नीचे आई और उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ ऊपर, दैट्स गुड, दैट्स लुकिंग मच बेटर, ठीक है। अब आपको ये जितना भी पिंक पार्ट है वो भी एक्स्ट्रा जो दिख रहा है आपको उसको काट देना है, या तो आप बढ़ा भी सकते हो या तो बैक कर लो, अपने हिसाब से सेट कर दो। और फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा जो आप ज़रूर करना है, जिससे आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये बन गया हमारा बेसिकली अपर ओवरले। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा रहने वाला है हमारी दूसरी चीज़, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। चेक करने के लिए हमने पिंक वाला लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज कर दिया ब्लू, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ब्लू में था, पिंक में था, इस वजह से हमने एकदम ब्लू ले लिया। तो ये देखो, अब देखो इतना बढ़िया लग रहा है। और क्रोम की हेल्प से आप हटा सकते हो क्या हटा सकते हो, जो आपका ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है। और अब हमने सारे को एक साथ ऐड कर दिया, जितने भी हमने बनाए थे उसको हम लोगों ने एक एक करके सारे एक साथ ऐड कर दिया, जिससे हम लोग की थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाए। उसको एक्सपोर्ट कर दोगे, जब आप वीडियो बनाओगे तब इसको या तो आप लोग बार बार चलाने वाला कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे ही रहने रख सकते हो। तो अब हम लोगों ने डार्क ब्लू के अंदर ही हमारा लोगो नीचे की तरफ ऐड कर दिया, ठीक है, जो हम लोगों ने वेक्टर लोगो बनाया था। उसके बाद हम लोग अपनी एक एक करके जो बाकी की लेयर बची हुई थी, ठीक है, लास्ट वाली लेयर्स, तो उसको ऐड करेंगे नीचे, ब्लैक वाला हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को उसको एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन भी पहले दे दो इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग एनिमेशन रहने वाले। एग्जिट का एनिमेशन सबका नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, बट जो दूसरे एनिमेशन है वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ी वीडियो बड़ी रखी है, क्योंकि हमारी जो पूरी चीज़ है वो समझानी थी, और इसी वीडियो के अंदर हम सेकेंड पार्ट नहीं बनाने वाले थे, तो इसके अंदर ही सब समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लोगो का जो भी है हमारा आइकन्स वाला, यूट्यूब इंस्टा सबका आइकन जो हमें बताना है वो ऐड कर सकते हो, और आप इसके अंदर अपना पेटीएम पेपाल नंबर वंबर जो भी फलाना ढिमकाना जो भी है ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। होप सो
भाई कितनी बार बोलूँ यार, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, दिल से दुख होता है भाई, दिल से दुख। छोड़ो, वीडियो की तरफ चलते हमारी। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें ऐड कर दी है और अब हम लोग थोड़े सा एनिमेशन दे देते हैं। तो हम लोग फेड देंगे, फेड इन फेड आउट, जैसा कि आपको पहले आपको मैंने ओवरले दिखा ही रखा, आपको समझ भी आ गया होगा कैसे ओवरले यूज़ हो रहा है और आने वाली वीडियोज़ में भी ये यूज़ होगा। तो बेसिकली ये बस गेमिंग का लिए नहीं होता, नॉर्मल वीडियोज़ भी कोई बनाता है तो वो भी अपने में ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्निकल वीडियोज़ बनाता है, कुछ वीडियो बनाता है, तो उसमें भी ये ओवरले ऐड हो सकता है, तो ये अच्छा दिखता है और वीडियो को थोड़ा सा बढ़िया बना देता है। तो भाई अच्छे से याद रखो, सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। तो हम लोगों ने सारी चीज़ में एनिमेशन दे दी और आखिरी में आपको अच्छे से शार्पिंग के साथ आपको एंडिंग के लिए कट डाल के एंड एनिमेशन डाल देना है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और हम लोगों ने डार्क ब्लू थीम लिया क्योंकि डार्क ब्लू हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया था अपने पूरे ओवरले के अंदर, जिससे क्रोमा की में वो हटे ना। पिंक में एक्चुअली दिक्कत क्या थी, पिंक कलर का जो हमारा इंस्टाग्राम का लोगो होता है तो इंस्टाग्राम का लोगो फेड हो जाने लग रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने पिंक नहीं लिया, ठीक है, ये दिक्कत थी। मैं दिक्कत भी समझ आ गई, सारी चीज़ें सही से हो रही है। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये वाली चीज़ को हम लोग सही से कट करके पेस्ट करके अपने हिसाब से एडिट करके एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ये जितना भी बना है उसको हम लोग अच्छे से सेट करके आउट एनिमेशन इन एनिमेशन सारी एनिमेशन दे के सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इसको हमें आखिरी में ध्यान से 3-4 बार चला कर देखना है कि सही से सारी चीज़ें वर्क हो रही या नहीं हो रही। अगर थोड़ा सा भी फास्ट या थोड़ा सा भी स्लो वर्क हो रहा होगा तो दिक्कत की बात है, ठीक है, क्योंकि वो फिर सही से सेटिंग नहीं हुई, तो वो सही सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा धीरे धीरे काम करना होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हमें नहीं लगा क्योंकि हम लोग थोड़े से ऐसे टाइम टाइम पे करते रहते हैं ये चीज़, तो हमारा हाथ सेट है। बट अगर आप धीरे धीरे सीखोगे तो सारा लोगो वोगो सब बनाना सीख जाओगे। बस आपको एक काम करना है, मेरी वीडियो A to Z पूरी स्टार्टिंग से एंड तक बिना रुके एक बार सुननी ज़रूर है, ठीक है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं ओ भाई मुझे समझ आ गया चलो भाई बनाना शुरू कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो।